नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इनसोर्स। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजद परिवार में एक बार फिर से घमासान शुरू होते दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू यादव के दो बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आपस में ही कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल एक खबर आई थी जब छात्र संगठन के बैठक में तेज प्रताप ने पूरे मंच से ये कह दिया था कि उनके पिता को बंधक बनाया जा रहा है, उनके पिता को दिल्ली में बंधक बना के रखा जा रहा है। कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। इस पर अब तेजस्वी यादव का बयान आ गया है। उन्होंने साफ तौर पे इस बात से इनकार करते हुए साफ लफ्जों में कह दिया है कि लालू यादव का वैसा व्यक्तित्व ही नहीं है, उन्हें कोई बंधक नहीं बना सकता। वो लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, साथ ही उन्होंने दो दो लोगों को प्रधानमंत्री बनाया है, अडवाणी को गिरफ्तार करवाया, बाकी तमाम बातें की है। लेकिन इससे पहले जो कल छात्र संगठन में तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा था, पहले आप वो सुनिए। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का, बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, चार पांच लोग हैं वो तमाम लोग, और सब जानता है नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वही रोक के रखा हुआ, हमने पिताजी से बात किया कि हम हमारे साथ चलिए पटना चलिए, हम साथ साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, आप आइए देखिए इस संगठन में। वो रहते थे तो दरबार जो खुला रहता था, खुला दरवाजा जो है खोल करके, और वो आउट हाउस है, सब लोग जानते हैं, साक्षी है, सब आउट हाउस में वो बैठा करते थे और तमाम जनता से, महान जनता से सामने मिलने जुलने का काम करते थे। ये चार पांच लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रस्सा बनवाया, तो जनता दूर रहे भाई, वाह ही वाह, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली में। तो आपने सुना कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर कहते आ रहे हैं कि उनके पिता को बंधक बनाया गया है और बंधक बना के रखा गया है, कुछ इस तरह का इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव क्या कुछ बोले हैं, आप ये सुन देखिए। अब हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, दो दो प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, अडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया, तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता है। लेकिन उनको किसने बंधक बना दिया है, सवाल है क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं, क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं कि आगे हम तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता, तो अडवाणी जी को गिरफ्तार कर रहा है। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में इस सारी बातों को नकारते हुए उनको डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके पिता को कोई बंधक नहीं बना सकता, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा नहीं है। लेकिन आगे क्या कुछ इस राजनीति में और राजद परिवार से खासकर क्या निकल कर आता है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।